हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज भारत भूषण सोनकिया, सीनियर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फैकल्टी मोसा। आइए केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन स्टार्ट किया जाए। यहां पर भी बेटा क्वेश्चन का सिलेक्शन जो मैंने लिया है वो आपके नीट के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन लिए हैं, जेई मेंस के लास्ट टू ईयर के क्वेश्चन में से कुछ सिलेक्ट किए हैं और एक दो क्वेश्चन मेरी तरफ से। यहाँ पर चूंकि केमिकल बॉन्डिंग अपने आप में एक लेंथी टॉपिक है, हम अच्छी तरह से जानते हैं, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट या फिर थर्मल स्टेबिलिटी जैसे कुछ कंसेप्ट मैंने उनके क्वेश्चन बचा के रखे हैं जिन्हें हम ब्लॉक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। एस ब्लॉक, बोरॉन कार्बन फैमिली, यहाँ पर हम उनको डिस्कस कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फॉर्मल चार्ज पूछा गया है फॉस्फेट आयन पे। बेटा ऑक्सी एसिड के जो एनायन होते हैं ना, ज्यादातर तो आपको वही मिलते हैं जहाँ पर रेजोनेंस मिलता है ना। यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि रेजोनेंस के बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर है। माइनस सिंगल डबल रेजोनेंस होता है ये हमें पता है, माइनस सिंगल डबल, माइनस सिंगल डबल, माइनस सिंगल डबल, ये चलेगा। जब भी फॉर्मल चार्ज निकालना हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे नहीं निकालना, फॉर्मल चार्ज हमेशा आपको रेजोनेंस हाइब्रिड से निकालना है। ठीक, ये कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के तो आपको दी नहीं है, उसमें कोई एटम इंडिकेट किया नहीं कि कौन से एटम पे निकालना है, तो आप क्या करोगे, रेजोनेंस हाइब्रिड पे जाओगे ना। रेजोनेंस हाइब्रिड किस तरह का दिखेगा, कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपको। जो आपको एक पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा था, इसके इलेक्ट्रॉन चारों ऑक्सीजन में इक्वली क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ड्यू टू रेजोनेंस। अच्छा, चारों ऑक्सीजन एटम को मिला के आपके पास जो चार्ज आ रहा था वो कितना था, माइनस थ्री। फोर ऑक्सीजन एटम्स के लिए माइनस थ्री चार्ज है, तो वन ऑक्सीजन एटम के लिए कितना होगा, माइनस थ्री बाय फोर। माइनस थ्री बाय फोर बोले तो माइनस पॉइंट सेवन फाइव। हर एक ऑक्सीजन एटम पे जो फॉर्मल चार्ज है वो माइनस पॉइंट सेवन फाइव है, यानी माइनस का थ्री बाय फोर है। सिंपल मैथमेटिक्स लगाइए, तीन चार ऑक्सीजन के लिए माइनस थ्री है, तो एक के लिए कितना, माइनस थ्री बाय फोर। अब बात आती है बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपको रेजोनेंस हाइब्रिड पर नहीं जाना, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखें, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स विथ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के साथ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड आपको काउंट करने हैं, और कौन से बॉन्ड, उन एटम के साथ बने हुए बॉन्ड जो किसमें इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में जो इन्वॉल्व हैं उनके साथ। ये थोड़ी देर में ये बातचीत समझ में आएगी बेटा, दो मिनट रुकिएगा, है ना। और इसको आपको डिवाइड कर देना है किससे, टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम कौन से, वो सराउंडिंग एटम जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको यूज करना है, ये हमने अपने कन्वीनियंस के लिए ये फॉर्मूला बना के रखा है, अदरवाइज एक्चुअल मेथड जो होता है वो अलग ही होता है। फिलहाल इससे हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर ये आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, देखें इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। टोटल बॉन्ड फॉस्फोरस ने कितने बना रखे हैं, सेंट्रल एटम ने कितने बना रखे हैं, फाइव बन रखे हैं, और सराउंडिंग एटम कितने हैं जो इन फाइव बॉन्ड के साथ इन्वॉल्व है रेजोनेंस के लिए, वो फोर है। तो फाइव बाय फोर ये बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1.25, यानी हमारा आंसर क्या होगा, ए। इस कंसेप्ट को हम आगे के कुछ क्वेश्चन में और यूज करेंगे, तो बेटर है कि यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल और देख लिए। जैसे मेरे से कोई पूछे सल्फेट के लिए बताओ जरा फॉर्मल चार्ज क्या आएगा और बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, हमें पता है सल्फेट कुछ इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, माइनस सिंगल डबल, माइनस सिंगल डबल, हर एक ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस चल रहा है। तो फॉर्मल चार्ज के लिए मैं क्या बनाऊंगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो दो पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे चारों ऑक्सीजन एटम के बीच में। चार्ज क्या था, टोटल माइनस टू था, कितने ऑक्सीजन को मिला के, फोर ऑक्सीजन को मिला के। फोर ऑक्सीजन को मिला के अगर माइनस टू है तो एक पे कितना आया, माइनस टू बाय फोर। माइनस टू बाय फोर बोले तो माइनस वन बाय टू, यानी सल्फेट में अगर मैं कैलकुलेट करता ना तो फॉर्मल चार्ज माइनस वन बाय टू आता। बॉन्ड ऑर्डर कोई मेरे से पूछता कि सल्फेट के लिए बॉन्ड ऑर्डर बताओ तो कैसे कैलकुलेट करता, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स सराउंडिंग एटम के साथ जो सल्फर बना रहा है जो रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है वो कितने, सिक्स बॉन्ड है, काउंट करो ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। और टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने दिखाई देते हैं, फोर, तो सिक्स बाय फोर कितना आ जाएगा, थ्री बाय टू बोले तो 1.5। सल्फेट के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 1.5 आएगा।
इस तरह के ढेरों एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, बट टाइम लिमिट की वजह से हमें एक या दो एग्जाम्पल पे ही रुकना पड़ेगा। चलिए एक और ले लेते हैं, एसीटेट का। जैसे एसीटेट में क्या है, क्या सारे के सारे सराउंडिंग एटम जो कार्बन के पास आपको दिखाई दे रहे हैं वो इन्वॉल्व हैं रेजोनेंस में? नहीं, आपको जो ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है मिथाइल ग्रुप वाला, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। रेजोनेंस में केवल और केवल इधर वाला हिस्सा इन्वॉल्व है, ये इन्वॉल्व नहीं है। तो इधर वाले हिस्से पे ही फोकस किया जाए, सही आंसर निकाला जाए। आपसे पूछा जाए फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन एटम पे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड में आपको -1 चार्ज है जो आपको दो ऑक्सीजन एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वन ऑक्सीजन एटम पे कितना आया, -1/2, -1/2। अब बात आती है बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड ऑर्डर कहां से निकालेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में केवल और केवल वही बॉन्ड इन्वॉल्व करेंगे जिनके एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये मिथाइल ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं करता, इसका रेजोनेंस से कोई लेना देना नहीं। तो यहां से आप काउंट करोगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 3, सराउंडिंग एटम कितने, ये 2। घर वाला तो ले नहीं, रेजोनेंस में उसका कोई रोल ही नहीं। तो एसीटेट में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1.5। एक्चुअल में ना तो ये पूरी तरह से डबल बॉन्ड है ना पूरी तरह से सिंगल बॉन्ड, ये 1.5 बॉन्ड है। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन फिनिश होता है। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को देखा जाए। यहाँ पर मेरे से पूछा गया है कि कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम कहाँ पर आएगा इन चारों कंपाउंड में। बेटा आयनिक बॉन्ड में आपको अगर कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना है तो आपको कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा पोलराइजेशन के, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेशन। के लिए कुछ रूल्स हैं, फजांस रूल्स के नाम से आप जानते हैं, पूरा नाम काश्मीर फजांस पढ़े होंगे आपने। पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है पॉजिटिव ऑन कैटायन, कैटायन पे जितना आप पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जाएंगे पोलराइजेशन उतना ज्यादा मिलेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है नेगेटिव ऑन एनायन, एनायन पे जितना नेगेटिव बढ़ाते जाएंगे पोलराइजेशन उतना ज्यादा मिलेगा। और जब इन दो से काम नहीं बने तो साइज पे आ जाओ। पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज ऑफ एनायन, और पोलराइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज ऑफ कैटायन। ये 4 रूल हैं जो आपको याद रखने होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम प्रेफरेंस देते हैं वो स्टार्टिंग के 2 रूल्स को देते हैं, इनसे जब काम नहीं बनता है तो हम फिर क्या आते हैं, रिमेनिंग 2 रूल्स पे आते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखें हमारे पास जो ऑप्शन हैं उनमें कैटायन कौन कौन से हैं, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, ये आपके पास 4 कैटायन। एनायन हर जगह पर सीएल माइनस है। अब बेटा इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि सीएल माइनस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1, 2, 3, 4 कितने भी सीएल माइनस हो उससे लेना देना नहीं है। सीएल माइनस है हमें केवल केवल इस बात से लेना देना है, एनायन हर जगह सीएल माइनस है। कुल मिला के पॉजिटिव चार्ज के बिहार पर हम आंसर निकाल सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वेरी कर रहा है कैटायन पे। अगर मैं चार्ज की बात करूं तो मैक्सिमम चार्ज कहाँ है, कार्बन के पास है, और मैक्सिमम चार्ज अगर कार्बन के पास है तो मैक्सिमम पोलराइजेशन पावर कार्बन के पास है, और पोलराइजेशन अगर मैक्सिमम है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या है, मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर CCl4 के पास मिलने वाला है, मिनिमम लिथियम के पास मिलने वाला है। ओवरऑल ऑर्डर ये रहा, आंसर क्या आएगा ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। यहाँ हमसे पूछा गया है कि विच कंपाउंड विल शो द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी के लिए भी आपको कुछ रूल्स याद होंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है किसके, पॉजिटिव चार्ज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है किसके, नेगेटिव चार्ज के, लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है किसके, साइज ऑफ कैटायन, और लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है साइज ऑफ एनायन। अब बेटा कंप्लीट कंसेप्ट तो हम डिस्कस नहीं कर सकते ना, तो डायरेक्ट जो रिलेशन है कम से कम अगर वही याद हो तो हमारा एग्जाम में तो काम बन जाएगा। अभी प्रायोरिटी किसको जाती है, चार्ज को, चार्ज से काम ना बने तो फिर हम साइज पे आएंगे। फिलहाल मेरे पास जो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं वो किसके हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीरियम, इनके ही तो कॉम्बिनेशन दे रखे हैं है ना। और इनके साथ एनायन देखो हर जगह जो एनायन है वो एफ माइनस है, सब जगह एनायन आपने एक जैसा ले रखा है यानी नेगेटिव चार्ज देखने की जरूरत नहीं और एनायन का साइज भी देखने की जरूरत नहीं। अब बचता है क्या,
कैटायन, तो कैटायन पे प्लस वन प्लस वन प्लस वन सब जगह चल रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज देखने की जरूरत नहीं। क्या देखा जाए, कैटायन का साइज सोडियम सबसे बड़ा है। एक ग्रुप में अपटू डाउन जाने पर साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो सोडियम सबसे छोटा है और सीजियम सबसे बड़ा है। जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा लेटेस एनर्जी मिलेगी। लेटेस एनर्जी का साइज से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो मैक्सिमम लेटेस एनर्जी कहाँ आने वाली है, सोडियम फ्लोराइड के पास आने वाली है। ये रहा इसका रीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डायपोल मोमेंट। पहली बात तो ये कि अगर आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की एक टेबल याद हो जो कि एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी, तो आपका आधा काम आसान हो जाता है। कैसे भाई, अगर AH2 टाइप का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर A में क्या लेके चल रहा हूँ, सेंट्रल एटम, X क्या मान रहा हूँ, सराउंडिंग एटम, सारे सराउंडिंग एटम सेम टाइप। सपोज आपके पास AH2 टाइप का मॉलिक्यूल है, तो इसका जो म्यू जीरो आएगा, इसका जो डायपोल मोमेंट जीरो आएगा, कब का डायपोल मोमेंट जीरो, तब आएगा जब ये लीनियर होगा। अब ये लीनियर कब कब मिलता है, उस टेबल को याद करना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कि AH2 टाइप का मॉलिक्यूल कब कब लीनियर मिलता है। पहला केस जब सेंट्रल एटम पे लोन पेयर जीरो हो और सराउंडिंग एटम टू हो, सिग्मा बॉन्ड टू हो। आपको पता है इस केस में स्टेरिक नंबर, बेसिकली किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हाइब्रिडाइजेशन जब निकालते हैं तो स्टेरिक नंबर देखा जाता है। कैसे, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम प्लस टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, या फिर आप बोल सकते हैं सिग्मा बॉन्ड। स्टेरिक नंबर टू होने पर हाइब्रिडाइजेशन sp आता है, स्टेरिक नंबर थ्री sp2, स्टेरिक नंबर फोर sp3 एंड सो ऑन। फिलहाल हम वापस से आते हैं, तो AH2 टाइप का मॉलिक्यूल लीनियर होगा, तो उसके लिए डायपोल मोमेंट जीरो आएगा। अब लीनियर कब कब मिलता है, तो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर जीरो हो, जब सिग्मा बॉन्ड दो आपको दिखाई दे रहा हूँ, इन शॉर्ट सराउंडिंग एटम दो। फिर सराउंडिंग एटम टू है तो टू सिग्मा बॉन्ड आए, सराउंडिंग एटम थ्री है तो थ्री सिग्मा बॉन्ड। वन एटम वन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ना सेंट्रल एटम के साथ। ठीक इसी तरह से AH3 टाइप का मॉलिक्यूल कब ये जीरो डायपोल मोमेंट शो करेगा, जब ये ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। ट्रायंगुलर प्लेनर कब मिलता है, आपको पता है जीरो लोन पे थ्री सिग्मा बॉन्ड में, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये सारे केस आप याद करके रखें, अब इनको हम अप्लाई करते हैं। देखें जरा, अमोनिया जैसे मेरे को एक मॉलिक्यूल किसी ने दे दिया, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होगा, वन इलेक्ट्रॉन को अपने साथ कॉम्बिनेशन में ले जाएगा। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में थे 5 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन के साथ 3 निकल लिए, बचते हैं कितने, 2। 2 इलेक्ट्रॉन का ऐसा पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लोन पेयर है। यानी इस नाइट्रोजन के पास एक तो आएगा लोन पेयर, और सिग्मा बॉन्ड कितने, सराउंडिंग एटम 3 है तो 3 सिग्मा बॉन्ड है। ये स्टेरिक नंबर 4 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। और पीछे अगर आप देखें स्लाइड में, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल एटम पे जब लोन पेयर जीरो होता है तभी डायपोल मोमेंट जीरो आता है, अदरवाइज नहीं आता। ऑब्वियस ही बात है, इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू द जीरो। नेक्स्ट इसमें दे रखा है बेरिलियम डाइफ्लोराइड। भाई बेरिलियम डाइफ्लोराइड ये किस कैटेगरी का मॉलिक्यूल है, ये तो AH3 टाइप का कैटेगरी का मॉलिक्यूल था, सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम 3। ये जो मॉलिक्यूल है वो AH2 कैटेगरी का मॉलिक्यूल, और AH2 कैटेगरी का मॉलिक्यूल जब लीनियर होता है तब इसका म्यू जीरो आता है। हाइब्रिडाइजेशन देख लो, बेरिलियम अल्कली अर्थ मेटल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक फ्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन में निकल लेगा, 2 फ्लोरीन के साथ दोनों इलेक्ट्रॉन निकल लेंगे, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं रहता है। यहाँ पे सेंट्रल एटम पे लोन पेयर जीरो है, सराउंडिंग एटम 2 है तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 है। जीरो लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड पर sp हाइब्रिडाइजेशन के साथ मॉलिक्यूल लीनियर हो जाता है। ये पिरामिडल था इसीलिए तो क्या था, इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं आया ना, पर ये मॉलिक्यूल लीनियर है तो ऑब्वियस ही बात है, इसका डायपोल मोमेंट क्या मिलने वाला, जीरो। तो चलो एक तो मेरे को मॉलिक्यूल मिल गया जिसका डायपोल मोमेंट जीरो मिलेगा BeF2। अगला वाटर, तो वाटर में सेम कहानी आप अप्लाई करके देखिएगा, ये होता है। वैसे तो इतना आपको याद होगा कि 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड के साथ आएगा ये,
और ए एक्स टू टाइप का मॉलिक्यूल अगर लीनियर नहीं है तो उसका म्यू तो जीरो नहीं मिलने वाला, तो इसका म्यू कैसे जीरो मिलेगा, ये लीनियर होती नहीं, ये तो एंगुलर है, वी शेप्ड है। नेक्स्ट, वाटर के बाद है 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। तो बेटा 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन कुछ इस तरह से दिखाई देगा ना आपको, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अपने वैसे भी बहुत ज्यादा डायपोल मोमेंट तो रखते नहीं, अगर आप कंसीडर भी कर लें तो इससे का डायपोल मोमेंट इधर से कैंसिल, इधर का इधर से कैंसिल। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। मान लिया भाई ये डायपोल मोमेंट इधर जा रहा है तो ये डायपोल मोमेंट इधर जाएगा ना, और दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इसका म्यू क्या आएगा, जीरो आएगा, इसका म्यू जीरो आएगा, इसका म्यू जीरो आएगा, और रिमेनिंग जो दो मॉलिक्यूल हैं इनके लिए म्यू जीरो नहीं मिलने वाले। ठीक है, अब एक और मॉलिक्यूल जो इसमें आपको दिखाई दे रहा है वो है क्या, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। चलिए बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को भी बना लेते हैं BF3। ये AX3 टाइप का मॉलिक्यूल है, हम सब जानते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का क्या होता है, SP2 होता है और ये ट्राइंगुलर प्लेनर आता है। और ट्राइंगुलर प्लेनर AX3 टाइप का मॉलिक्यूल मिल जाता है तो उसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो BF3 के लिए म्यू जीरो आएगा क्या, डेफिनेटली आएगा। ये कुछ केस वो पीछे वाली जो मैंने स्लाइड बोली ना उसको याद करना पड़ेगा बेटा, आप ये रही वो स्लाइड, इसको याद करें, बड़े काम की स्लाइड है, इसका एक एक पॉइंट हमें याद होना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से सॉल्व होंगे। ये रहा, तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड डायपोल मोमेंट जीरो है। अच्छा NF3 से मिलता जुलता केस ही NF3 का भी आएगा। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन को, हमारे ऑप्शन को। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डायपोल मोमेंट, यहाँ पे अमोनिया आ गया कैंसिल कर दो, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ठीक है, HF लीनियर होते ही है, कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर होते ही है, बट 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन इसका जीरो नहीं आएगा, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन का जीरो आता है, 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन का जीरो नहीं आएगा डायपोल मोमेंट। यहाँ पर NF3 आ गया, यहाँ पे 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन की वजह से कैंसिल हुआ, यहाँ NF3 से, यहाँ देखो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ट्राइंगुलर प्लेनर है, बेरिलियम डाइफ्लोराइड BeF2 जीरो आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर होते ही है, AX2 टाइप का मॉलिक्यूल SP हाइब्रिडाइजेशन में, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन ये रहा, आंसर क्या आएगा, ई आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल। बेटा आप एक सिंपल सी बात समझे, जब भी आपको लगे ना कि जो सेंट्रल एटम है वो सेम पीरियड को बिलोंग कर रहा है और इसके अलावा स्टेरिक नंबर सेम आ रहा है, स्टेरिक नंबर अभी अभी हमने बात की थी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इसका सम स्टेरिक नंबर ये सेम आ रहा है, उस केस में जो डायपोल मोमेंट आपका आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा नंबर ऑफ लोन पेयर फ्रॉम सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे जितना लोन पेयर बढ़ाते जाएंगे डायपोल मोमेंट उतना ज्यादा आएगा, एक्सेप्ट ऐसा मामला थोड़ा सा अलग है, इस मामले में वो थोड़ा सा अलग याद रखना पड़ेगा। अब इसको अप्लाई कैसे करें देखना जरा, इस सेकेंड पीरियड के एलिमेंट उठा लो आप, कार्बन का हाइड्राइड क्या है CH4, नाइट्रोजन का हाइड्राइड क्या है NH3, ऑक्सीजन का हाइड्राइड क्या है H2O, और ये HF तो एक्सेप्शन है, बाकी तीन देख सकते हैं। यहाँ पर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कार्बन आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों के चारों शेयरिंग में आ गए हाइड्रोजन के साथ, यानी लोन पेयर जीरो है, सराउंडिंग एटम 4 है तो सिग्मा बॉन्ड कितना है 4 है, टोटल काउंट कितना आया 4, स्टेरिक नंबर अगर 4 है हाइब्रिडाइजेशन क्या है SP3 NH3, लोन पेयर 1 आएगा, सिग्मा बॉन्ड 3 आएंगे, टोटल काउंट 4 आ जाएगा, स्टेरिक नंबर इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, लोन पेयर 2 है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 2 है, स्टेरिक नंबर इधर भी। जब स्टेरिक नंबर सेम हो तब क्या होता है, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज करेंगे आपको डायपोल मोमेंट इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, बट HF का डायपोल मोमेंट मैक्सिमम नहीं है,
वो इधर आता है, एक्सेप्शन है फ्यूचर के लिए, याद रखिए। क्लियर? तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि यहां पर H2O के डायपोल मोमेंट को सबसे आगे रखना है और CH4 क्या है, जीरो रखना है। अब ऑप्शन में देखें इस कंसेप्ट को हम अप्लाई कैसे करेंगे वो सोचें। सबसे पहले तो वो मॉलिक्यूल उठा लो जिसका डायपोल मोमेंट जीरो आएगा। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये क्या होता है, ट्राइंगुलर प्लेनर होता है, और ट्राइंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल के लिए जो म्यू आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। याद करो AX3 टाइप का मॉलिक्यूल है, ट्राइंगुलर प्लेनर है, इसका म्यू जीरो आएगा, यानी BF3 तो सबसे पीछे जाएगा और H2O सबसे आगे आएगा इन तीनों में। NF3, NH3 और H2O। अगर आप लोन पेयर देखें तो ये वन लोन पेयर, ये वन लोन पेयर, ये टू लोन पेयर की कहानी है। टू लोन पेयर वाले को आगे रख लो। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 3 है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड 3 है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड 2 है, स्टेरिक नंबर तो इधर भी 4 है, स्टेरिक नंबर इधर भी 4 है, स्टेरिक नंबर इधर भी 4 है। हमने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ लोन पेयर जहां ज्यादा है वहां डायपोल मोमेंट ज्यादा रखे हैं, H2O सबसे आगे आ गया, BF3 सबसे पीछे। अब रह जाते हैं NH3 और NF3। NH3 और NF3 को कैसे कंपेयर करें, एक्चुअल में बॉन्ड की पोलैरिटी आपको देखनी होती है, प्लस डायरेक्शन देखनी होती है डायपोल मोमेंट की। NH3 में ये जो हाइड्रोजन है वो कुछ इस तरह से लगे हुए हैं और ये लोन पेयर है। एक चीज बताएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के लिए कितना होता है, 3.0। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के लिए कितना होता है, 2.1। तो यहाँ पर जो डेल EN आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा 3 माइनस 2.1, वो कितना आएगा, 0.9। ये जो बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर दो एटम के लिए 0.9 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, नाइट्रोजन की ज्यादा है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ जाती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, ये इधर जाएगी, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, और लोन पेयर की डायरेक्शन ऊपर जाएगी। तो ये NH3 था कुछ इस तरह से, ये इस पे ये लोन पेयर है, लोन पेयर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है। ये जो तीन आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं ना नाइट्रोजन के साथ, इनके भी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो लोन पेयर के डायपोल मोमेंट को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, ओवरऑल डायपोल मोमेंट आपको ज्यादा मिलता है। अब NF3 मॉलिक्यूल को देखा जाए, ये नाइट्रोजन है, ये फ्लोरीन, तो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बॉन्ड को, ये बैक साइड है ना, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का कितना है, 4। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का कितना है, 3। तो जो डेल EN आएगा वो कितना आएगा, 1। यानी बॉन्ड पोलैरिटी में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बट फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इस बार डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन चेंज हो, लोन पेयर तो ऊपर ही जाएगा। तो सोचें ये NH3 था इस तरह से, और NH3 में जो तीन बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे थे, तीनों बॉन्ड का जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट था वो सपोर्ट कर रहा था, किसको सपोर्ट कर रहा था, लोन पेयर के डायपोल मोमेंट को, ओवरऑल वैल्यू ज्यादा आएगी। NF3 में क्या हो रहा है, लोन पेयर का डायपोल मोमेंट तो ऊपर की तरफ जा रहा है और रिमेनिंग नाइट्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड का जो रिजल्टेंट आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, और ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगे तो डायपोल मोमेंट कम मिलेगा। इन शॉर्ट NH3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है NF3 के कंपेयर में। H2O मैक्सिमम था, NH3 NF3 में NH3 आगे आएगा और BF3 तो आपको जीरो मिल लेगा, आंसर क्या आएगा बी। वैसे इसी तरह से आप याद रख सकते हैं, H2O और F2O में H2O का डायपोल मोमेंट ज्यादा मिलता है, F2O का डायपोल मोमेंट आपको कम मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बॉन्ड एंगल के बारे में डिटेल पूछी गई है। CH4 NH3 और H2O का बॉन्ड एंगल आपको कंपेयर करना है। बॉन्ड एंगल ऐसे में तो अपने आप में बहुत लंबी थ्योरी है, पूरा लेक्चर ही इस पे निकल जाता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपके ज्यादातर मॉलिक्यूल कवर हो जाएं, ऐसा कुछ हमारे पास एक रिटर्न फॉर्म में रहे, है ना। बट
आपको पहले से बता दूं, स्टेरिक इफेक्ट, बैक बॉन्डिंग, ऐसे ढेर सारे फैक्टर होते हैं जहां जिनकी वजह से यहाँ पर एक्सेप्शंस आते रहते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये अगर रूल्स आप फॉलो करते हैं जिस सीक्वेंस में मैंने लिखे हैं उसी सीक्वेंस में अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपके ज्यादातर क्वेश्चंस जो नीट में आए हुए हैं वो तो सॉल्व हो ही जाने। जैसे सबसे पहले आप देखें स्टेरिक नंबर, तो स्टेरिक नंबर 2 होने का मतलब बॉन्ड एंगल 180 के आसपास की रेंज में। स्टेरिक नंबर 3 होने का मतलब है कि आपका जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री की रेंज में। और स्टेरिक नंबर 4 होने का मतलब बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट की रेंज में। तो आप स्टेरिक नंबर देखें, स्टेरिक नंबर जितना कम होगा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सीओ टू के लिए स्टेरिक नंबर 2 है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का स्टेरिक नंबर 3 है और एसपी 2 हाइब्रिडाइजेशन है। सीएच4 का स्टेरिक नंबर 4 है, एसपी 3 हाइब्रिडाइजेशन है। मैक्सिमम एंगल कहाँ है, सीओ टू के पास है, और मिनिमम एंगल कहाँ है, सीएच4 के पास है। अब क्या हो अगर स्टेरिक नंबर सेम, तो फिर देखें क्या सेंट्रल एटम पर लोन पेयर 0 है। एक साथ अगर ये दो कॉम्बिनेशन मिल गए ना तो एंगल कहीं वेरी करेगा ही नहीं। जैसे देखो ना, ये मैंने जैसे एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पर कोई भी स्पीशीज उठा के देख लो, उसका स्टेरिक नंबर 3 है और सब में सेंट्रल एटम पे लोन पेयर क्या है, 0 है, सबके एंगल सेम है। यहाँ पर देखें तो जितनी भी स्पीशीज मैंने ली है सबके स्टेरिक नंबर 4 है, सबके पास सेंट्रल एटम पे लोन पेयर क्या है, 0 है, सारे बॉन्ड एंगल सेम है। तो सबसे पहले क्या देखना, स्टेरिक नंबर, स्ट्रेक नंबर जहां मिनिमम है वहां पर एंगल मैक्सिमम मिलेगा। स्ट्रेक नंबर सेम हो तो क्या चेक करो, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर 0 है क्या। अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर 0 है तो जितने भी आपने मॉलिक्यूल्स लिख रखे हैं सब में सेम एंगल मिलने वाला है। अब अगर स्टेरिक नंबर तो सेम है लेकिन सेंट्रल एटम पे लोन पेयर 0 नहीं है बल्कि डिफर कर रहे हैं, हर एक मॉलिक्यूल पे नंबर ऑफ लोन पेयर आपको अलग दिखाई दे रहे हैं, तो जितना आप लोन पेयर बढ़ाते जाओगे लोन पेयर रिपल्सन उतना ज्यादा होगा, एंगल उतना कम मिलेगा। यानी सी एच फोर में आपको एंगल देखोगे तो 0 लोन पेयर है, एन एच थ्री के पास 1 लोन पेयर है और एच टू ओ के पास लोन पेयर कितना है, 2। जितना आप नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ाते जाएंगे एंगल उतना कम होता जाएगा, तो एच टू ओ का एंगल मिनिमम है, सी एच फोर में एंगल मैक्सिमम है। एक नंबर सेम है, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर वेरी कर रहे हैं, डिफरेंट है, जितना लोन पेयर इंक्रीज कर रहे हैं एंगल उतना कम रखना है। इसके बाद एक जो लास्ट रूल बचता है वो कौन सा है, क्या हो अगर स्टेरिक नंबर क्या हो सेम है सेंट्रल एटम के लिए, प्लस सेंट्रल एटम पे लोन पेयर 0 भी नहीं है, बट नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल एटम पे हर एक मॉलिक्यूल में सेम। एक जगह अगर लोन पेयर 1 है तो दूसरे में भी लोन पेयर 1 है, तीसरे में भी लोन पेयर 1 है, चौथे में भी लोन पेयर 1 है, तब क्या हो, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जाए। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के तो बॉन्ड एंगल आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां देखें पहला एग्जांपल जो हमने यहां पर लिया है, सब में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन ले रखा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी किसकी कर रही है, सराउंडिंग एटम की। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप डिक्रीज करते हैं तो एंगल इंक्रीज होएगा। आपको पता है फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की है, उससे कम ब्रोमीन है, उससे कम आयोडीन है। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज अगर सराउंडिंग एटम की करते हैं तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होएगा। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। ये सेकंड केस देखो, सब हाइड्राइड जो हमने लिए हैं सराउंडिंग एटम सब में हाइड्रोजन है, बट सेंट्रल एटम जो है वो वेरी कर रहा है, यहाँ सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, यहाँ तक आते आते सेंट्रल एटम पे इसमें ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने के साथ साथ बॉन्ड एंगल भी क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। क्यों, क्योंकि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर दें एंगल कम आएगा। सेम कंसेप्ट यहाँ है, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर दी एंगल बढ़ गया, आपने क्या किया इस बार सराउंड जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज की, एंगल डिक्रीज हो गया। ये दो रूल हैं जो आपको याद रखना, इन रूल्स को आप फॉलो करते जाएं आपके आंसर आते रहेंगे। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अभी अभी हमने डिस्कस किया सी एच फोर एन एच थ्री एच टू ओ, सी एच फोर पे लोन पेयर कितना 0, नाइट्रोजन पे लोन पेयर कितना 1, एच टू ओ पे लोन पेयर कितना 2। फिर आपने देखे सिग्मा बॉन्ड, सराउंडिंग एटम 4 है तो 4 सिग्मा बॉन्ड आएंगे, सराउंडिंग एटम 3 है तो 3 सिग्मा बॉन्ड आएंगे, सराउंडिंग एटम 2 है 2 सिग्मा बॉन्ड आएंगे। स्टेरिक नंबर लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड का संग, इधर भी स्टेरिक नंबर 4 है, इधर भी स्टेरिक नंबर 4 है,
और इधर भी स्टेरिक नंबर 4 है, स्टेरिक नंबर सेम है और सेंट्रल एटम पे लोन पेयर चेंज हो रहा है। जितना लोन पेयर इंक्रीज करते जाएंगे एंगल उतना कम होता जाएगा। तो एच ओ एच एंगल एच टू ओ में जो होगा वो एन एच थ्री के एंगल के कंपेयर में स्मॉलर होगा, बिल्कुल सही है। हाँ, फॉल्स स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, टी एच फोर में जो एंगल आएगा वो एन एच थ्री के कंपेयर में लार्ज रहेगा, वो सही है। टी एच फोर में जो एंगल आएगा वो एंगल क्या होगा, एन एच थ्री के कंपेयर में ज्यादा रहेगा और एन एच थ्री का जो एंगल होगा वो एच टू ओ के कंपेयर में ज्यादा रहेगा। तीनों एंगल 90 से तो ज्यादा होती हैं। इसका एंगल वैसे याद भी रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं 109 डिग्री 28 मिनट, 107 डिग्री 104.5 क्या आएगा, 104 डिग्री 5 मिनट के आसपास। एक लोन पेयर बॉन्ड एंगल को 2 से 2.5 डिग्री के आसपास कम कर देता है, वो एक कंसेप्ट है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट जा रहा है। एच ओ एच बॉन्ड एंगल एच टू ओ में है वो लार्जर है सी एच फोर के कंपेयर में, ये बात गलत है, स्मॉलर है। तो डी स्टेटमेंट गलत जा रहा है, यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7, मैक्सिमम डायपोल मोमेंट किसका आएगा। तो भाई अभी अभी हमने इसके बारे में डिटेल बात की है, CO2 के लिए म्यू जीरो आएगा, क्यों, AH2 टाइप का मॉलिक्यूल है, लीनियर है। CH4 के लिए म्यू जीरो आएगा, क्यों, AH4 टाइप का मॉलिक्यूल है, टेट्राहेड्रल है। बचता क्या है, NH3, NF3। हमने डिस्कस किया है कि NH3 का डायपोल मोमेंट NF3 से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो मैक्सिमम डायपोल मोमेंट किसका आने वाला है, एन एच थ्री का, आंसर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ अगर आपको चेक करनी है तो सबसे पहले क्या देखो, साइज ऑफ एटम देखो। साइज ऑफ एटम से मेरा मतलब है कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहा है। आप एन की वैल्यू देखो, आप देखो ऑर्बिट कौन सी है। अब यहाँ पर आपके पास एटम कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कार्बन सेकंड पीरियड एलिमेंट, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड एलिमेंट और हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड एलिमेंट। ये साइज में छोटा मिलेगा, ये दोनों साइज में लार्ज मिलेगा। अगर एटम सेम पीरियड को बिलोंग कर रहा है, एन अगर सेम है तो क्या देखो, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा ओवरलैप कर जाता है, लेंथ कम हो जाती है। लगाओ कंसेप्ट को, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ तो क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा, क्योंकि दोनों सेकंड सेकंड है। अब आप बोलोगे सर कार्बन कार्बन आगे क्यों रखा, कार्बन ऑक्सीजन क्यों नहीं, तो ये सेकंड है, ये सेकंड पीरियड को बिलोंग कर रहा है ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा ओवरलैप करेगा। बेटा यहाँ पे एक और गड़बड़ है, मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। एक जगह तो आपको मिलेगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक जगह मिलेगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो भाई कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा आएगी ट्रिपल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी किससे, ट्रिपल बॉन्ड से। एक ये कंसेप्ट, यहाँ पे मैं आंसर नहीं दूंगा क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट, बट उम्मीद है आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। टी एच तो क्या आएगा, सबसे पीछे आने वाला है, और सी सी क्या आएगा, सबसे आगे आने वाला है। यानी आपका आंसर तो ये है, बट ये जो दो ऑप्शन है इनमें थोड़ी सी गड़बड़ है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अवॉइड कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्ड एंगल, अभी आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बताया था, NO2 प्लस में sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा, स्टेरिक नंबर आता है 2, आप काउंट कर सकते हैं NO2, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, स्टेरिक नंबर कितना आता है इसका 3, और NO2 माइनस, NO2 माइनस ये इस तरह का मॉलिक्यूल है, वन लोन पेयर टू सिग्मा बॉन्ड के साथ, स्टेरिक नंबर इसका भी क्या है, 3 है। स्टेरिक नंबर 2 वाला सबसे आगे रखो, यानी NO2 प्लस का तो सबसे आगे आने आना है। अब रह जाता है NO2 और NO2 माइनस। बेटा NO2 जो है ना, इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाता है ना, और वो सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो। आप सोचो ना, लोन पेयर ज्यादा रिपल्सन लगाएगा या सिंगल बॉन्ड ज्यादा रिपल्सन लगाएगा, ऑब्वियस सी बात है लोन पेयर ज्यादा रिपल्सन लगाएगा, ये सिंगल थोड़ी ज्यादा रिपल्सन लगा पाएगा। तो यहाँ तो आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन कम लगेगा, एंगल ज्यादा मिलेगा। NO2 का एंगल NO2 माइनस से ज्यादा है, और NO2 प्लस तो सबसे आगे है ना, स्टेक नंबर के बिहार पे आप आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट,
करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। देखें जरा, कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड बैक बॉन्डिंग की वजह से, और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, टू। और CO2 में आपको पता है कि सीधे सीधे डबल बॉन्ड दिखाई दे जाता है हमें, तो बॉन्ड ऑर्डर थ्री आएगा, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आएगा टू। और कार्बोनेट में रेजोनेंस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमने पहले क्वेश्चन में रेजोनेंस की ही बातचीत की है, कैसे निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर। सराउंडिंग एटम कितने बॉन्ड बना रहे हैं, फोर। टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं, थ्री हैं, ये है 1.33। और बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के क्या आती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है। तो मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ कहाँ आने वाली है, कार्बोनेट में। ओमनियम कहाँ मिलने वाली है, कार्बन मोनोऑक्साइड में। आंसर क्या आ जाएगा, सी, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर से आप सीधे सीधे कंपेयर कर लें, कार्बन मोनोऑक्साइड थ्री बॉन्ड ऑर्डर सात देखने में आ जाता है, CO2 का बॉन्ड ऑर्डर टू सात देखने में आता है, कार्बोनेट में आप रेजोनेंस वाला कंसेप्ट लगाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार वापस से हमसे बॉन्ड लेंथ पूछी गई है। अब बॉन्ड लेंथ के लिए कंसेप्ट आपको पता है कि क्या क्या अप्लाई करना है। अगर रेजोनेंस कहीं पे दिखाई दे रहा है तो रेजोनेंस हाइब्रिड पे फोकस करें, अदरवाइज देखें क्या है बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर वन है, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर टू है। फिलहाल ओ टू, तो ये तो हम सबको पता होता है कि ओ टू में दो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड ही मिलता है। और H2O2 भी हमें पता है कि ओपन बुक स्ट्रक्चर होती है, जहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहां तो बॉन्ड ऑर्डर हम 2 ले लें, H2O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना 1 ले लें। अब रह गया ओजोन, ओजोन ये रहा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमेशा क्या करें, कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर लें। वो आपको पता है कैसे करते हैं, जैसे ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा हुआ है तो उसको कोवेलेंट बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करोगे। ये कोवेलेंट बॉन्ड लगाया, जहां एरो गया वहां एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, वहां माइनस वन। जिस एटम की तरफ से एरो जा रहा है वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल लिया तो प्लस वन, ये कंसेप्ट है। अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे, रेजोनेंस हाइब्रिड से। सेंट्रल एटम ने टोटल कितने बॉन्ड बना रखे हैं सराउंडिंग एटम से, थ्री। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं, टू। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1.5। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ कहाँ आने वाली है, H2O2 में। उसके बाद कहाँ आने वाली है, ओजोन में। और मिनिमम किस में आने वाली है, O2 में। H2O2 मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ और O2 मिनिमम बॉन्ड लेंथ, आपका आंसर आएगा क्या, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। परमानेंट डायपोल मोमेंट किसके पास होगा, इन शॉर्ट यहां पर हमसे ये पूछा जा रहा है कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके पास डायपोल मोमेंट आपको दिखाई देता है, पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है। और आपको तरीका बताया था, SiF4 AX4 टाइप का मॉलिक्यूल है, और इसके पास क्या है, लोन पेयर सेंट्रल एटम पे जीरो है, सराउंडिंग एटम फोर है, सिग्मा बॉन्ड फोर है। इस कंडीशन में ये क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ टेट्राहेड्रल होता है, डायपोल मोमेंट जीरो आएगा। अच्छा, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इसमें आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर जीरो है, सराउंडिंग एटम थ्री, सिग्मा बॉन्ड थ्री, ये AX3 टाइप का मॉलिक्यूल है। जीरो लोन पेयर थ्री सिग्मा बॉन्ड पर ये जो शेप बनता है वो कौन सा बनता है, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप क्रिएट होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर पर डायपोल मोमेंट जीरो आता है। तो SiF4 का डायपोल मोमेंट जीरो हो गया, BF3 का डायपोल मोमेंट जीरो हो गया। अब रह जाते हैं दो, XeF4 और SF4, ये आपको चेक करने पड़ेंगे। बेटा XeF4 में ज़ीनॉन इनर्ट गैस है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, आउट ऑफ 8 4 शेयरिंग में आ गए फ्लोरीन के साथ, तो बचते कितने, 4 बचते हैं ना, 4 इलेक्ट्रॉन से लोन पेयर कितने क्रिएट होंगे, दो। ज़ीनॉन पर दो तो लोन पेयर हैं और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4। बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की टेबल याद करें, 2 लोन पेयर 4 सिग्मा बॉन्ड में जो शेप क्रिएट होता है स्क्वायर प्लेनर। ये हमने स्क्वायर प्लेनर शेप क्रिएट कर दिया। लोन पेयर कहाँ होंगे, यहाँ एक्सियल पोजीशन ले लो आप, तो एक लोन पेयर इधर आ जाएगा, एक लोन पेयर इधर आ जाएगा। तो लोन पेयर के डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे,
मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, और इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट इस बॉन्ड को कैंसिल करेगा, इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट इस बॉन्ड को कैंसिल करेगा, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या आएगा? जीरो। वैसे भी एक शॉर्टकट बता रखा था कि अगर AX4 टाइप का मॉलिक्यूल आपके क्या है, स्क्वायर प्लेनर है, तो वो क्या होगा? जीरो डायपोल मोमेंट शो करेगा। इन सब में जीरो डायपोल मोमेंट है, तो बचता कौन है फिर? हमारे पास ले जाके मॉलिक्यूल बच जाता है कौन? SF4। और SF4 क्या है? लोन पेयर तो है इसके पास कितना? 1। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4। और इसके साथ लोन पेयर 1 हो, सिग्मा बॉन्ड 4 हो, तो फिर C100 ज्योमेट्री आती है। और C100 ज्योमेट्री में AX4 टाइप के मॉलिक्यूल में हमने ये कहीं नहीं देखा, C100 ज्योमेट्री में डायपोल मोमेंट 0 आता है। AX4 में डायपोल मोमेंट 0 कब कब? या तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल का केस ये था 0 था, स्क्वायर प्लेनर का केस ये था 0 था। तो आंसर है SF4, यहां पर μ0 नहीं आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। H2O डायपोलर है, BF2 नहीं है, रीजन सिंपल सा है। H2O एंगुलर है, तो इनके बॉन्ड के जो डायपोल मोमेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल ही नहीं करते। BF2 क्या होता है? लीनियर होता है। लीनियर होने की वजह से इधर वाला डायपोल मोमेंट इधर वाले डायपोल मोमेंट को क्या कर देता है? कैंसिल कर देता है। आंसर क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कहां पर मिलेगा? तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड के लिए आप देखो ना, NaCl में तो क्या होगा? Cl- लार्ज साइज एनायन है, और लार्ज साइज एनायन के साथ दिक्कत क्या है? पोलराइजेशन हो जाता है, वो दिक्कत देता है। Cm फ्लोराइड क्या है? यहां पर आपके पास एनायन स्मॉल साइज, कैटायन कंपैरेटिवली लार्ज साइज, तो पोलराइजेशन कम से कम मिलेगा। पोलराइजेशन कम है तो फिर आपके पास आयनिक बॉन्ड क्या है? आपको ज्यादा दिखेगा। आंसर क्या आएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, सारे के सारे बॉन्ड कहां इक्वल नहीं मिलते हैं? तो याद रखिएगा, जब भी आपके स्टेरिक नंबर 5 आएगा ना, वहां अक्सर इस तरह की पोजीशन क्रिएट होती है। रीजन बिहाइंड दैट, आपने एक एग्जांपल पढ़ा होगा कि PCl5 में एक्जियल और इक्वेटोरियल जो बॉन्ड लेंथ होती हैं वो सेम नहीं आती हैं। एक्जियल बॉन्ड लेंथ तो हो जाती है ज्यादा, और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? कम। रीजन, एक्जियल बॉन्ड के लिए ये तीन जो इक्वेटोरियल के बॉन्ड है वो 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, और 90 डिग्री पे बॉन्ड पे रिपल्शन ज्यादा लगता है, तो एक्जियल बॉन्ड में स्ट्रेचिंग आ जाती है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाती है। जबकि इक्वेटोरियल पे जो बॉन्ड होता है उसके लिए 90 डिग्री पे दो ही रिपल्शन, बाकी के रिपल्शन 120 डिग्री पे होते हैं, उतना इंपैक्ट होता नहीं। तो रिपल्शन कम होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड के लिए, बॉन्ड लेंथ कम होती है। अब जो आप CLF3 बनाओगे, तो CLF3 का शेप कैसे आएगा भाई? CLF3 में सबसे पहले तो आप देखो, हेलोजन है, आउट ऑफ मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 फ्लोरीन के साथ निकल लिए, बचे 2, यानी इसके पास लोन पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर हैं। सराउंडिंग एटम 3 है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है। स्टेरिक नंबर 5 है, स्टेरिक नंबर 5 में जो इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री आती है वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल आती है। तो आपने एक बेंट रूल पढ़ा होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा एक्जियल पोजीशन पे जाता है, लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाता है। यानी अब इसमें यहां और यहां दोनों बॉन्ड के लिए अलग अलग टाइप के रिपल्सन लग रहे हैं, अगर रिपल्सन डिफरेंट टाइप के होंगे तो बॉन्ड एंगल डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। आंसर क्या रहेगा? बी। अगर आप बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में देखें तो सारे एंगल एक जैसे हैं, तो सब रिपल्सन भी तो एक जैसा है। आप अगर AlF3 की बात करें तो यहां तो बात करने का मतलब नहीं है, क्योंकि बॉन्ड ही आयनिक होता है, Al+3 है और F- है, तो इसको डिस्कस करने का कोई तुक नहीं बनता। NF3 की बात करें तो तीनों फ्लोरीन का लोन पेयर से जो रिपल्सन है वो एक जैसा है, क्योंकि डिस्टेंस एक जैसी है, तो रिपल्सन जब एक जैसा है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या मिलेंगी? एक जैसी ही तो मिलेंगी। हमारा आंसर क्या आने वाला है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल लूं तो 180 के एंगल कितने मिलेंगे? सिंपल सी बात है, ये जो 1 ऑक्टाहेड्रल शेप क्रिएट होगा ना बेटा, वो कुछ इस तरह से होगा।
ये है ऑक्टाहेड्रल शेप। अब इस ऑक्टाहेड्रल शेप में तीन ट्रांसपोजिशन है, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है। तीन ट्रांसपोजिशन का मतलब 180 के एंगल कितने दिखाई देंगे, तीन ही तो दिखेंगे, थ्री दिखेंगे। आंसर क्या आएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन नो पाई बॉन्ड, कहां पर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। ये सबसे आसान काम यही है पहचानना, H2O सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ही तो है, डबल बॉन्ड है का। SO2 मॉलिक्यूल आपको पता है, एक सिग्मा एक पाई होता है। CO2 आपको पता है, सॉरी एक सिग्मा एक पाई बोल दिया, दो सिग्मा दो पाई, दो पाई SO2 में भी है, दो पाई बॉन्ड कहाँ है, CO2 में भी, और NO2 में तो है ही सही। आंसर क्या आएगा, डी आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड के कंपेयर में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। बॉन्ड एनर्जी सिग्मा बॉन्ड की यहाँ पे देखो कम दिख रही है, पाई बॉन्ड की ज्यादा है, यही गलत हो गया। अगर पहला स्टेटमेंट सही तो दूसरा सही कैसे हो सकता, सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा आएगी, पाई बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम आएगी, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, यही करेक्ट नहीं है। सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है, बिल्कुल, ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ ग्रुप है, यहाँ ग्रुप है, ये ग्रुप क्या करते हैं, फ्रीली रोटेट करते हैं, फ्री रोटेशन सिग्मा बॉन्ड में होता है। पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है, नहीं होता है। पाई बॉन्ड में बीच में क्या आ जाता है, जो ये बैरियर आ जाता है, तो बैरियर की वजह से अगर आप ये एटम घुमाओगे तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ये क्या करता है, अपोज करता है रोटेशन। तो याद रखिएगा, फ्री रोटेशन सिग्मा बॉन्ड के अराउंड होता है, पाई बॉन्ड के अराउंड नहीं होता। और जो बॉन्ड की डायरेक्शन है, क्या आप बोल सकते हैं मॉलिक्यूल का जो शेप है, वो सिग्मा बॉन्ड ही डिसाइड करता है, पाई बॉन्ड डिसाइड नहीं करता। तो ए सी और डी सही स्टेटमेंट थे, बी रॉन्ग स्टेटमेंट था, यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनियर कॉम्बिनेशन किया है दो हाइब्रिड ऑर्बिटल का, दो एटम को ये बिलोंग कर रहे हैं और सबके पास वन इलेक्ट्रॉन है, क्या बनेगा। बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ये कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते। आंसर क्या आने वाला है, ए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो स्ट्रक्चर, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक में पहचानना आपके पास आसान है भाई, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम, ये ऑक्सीजन फैमिली का लास्ट मेंबर, यहां पर नियोन आर्गन क्रिप्टन जिनोन, आप समझ सकते हैं हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इतना तो आप आइडिया लगा सकते हो ना। टेल्यूरियम और जिनोन में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, इससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं, और आयोडीन और जिनोन में एक ही इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस। अब यहाँ पर एक लॉजिकल मिस्टेक मुझे दिखाई देती है, वो ये है कि ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हर जगह ही वेरी कर रहे हैं, अब क्या करें, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लो, क्योंकि एक्चुअल कंसेप्ट जो है वो क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में अगर पॉली एटोमिक स्पीसीज है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। अब हम ये कंसेप्ट लगा लें, उसके भी आप पे आंसर लें। तो टेल्यूरियम ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है तो बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सिक्स, और दो मिल जाएंगे आयोडीन से, कितने होगा, एट। जिनोन बैलेंस सेल में एट है, दो फ्लोरीन से मिल जाएंगे, टेन हो जाएंगे, किन दोनों की कहानी अलग भाग गई, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो बेरिलियम आउट ऑफ मोस्ट ऑर्बिट में टू इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्लोरीन से मिल जाएंगे फोर होंगे, और जिनोन के पास आउट ऑफ मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं, एट, तो क्लोरीन से मिल जाएंगे टेन हो जाएंगे, तो ये भी मैच नहीं किया। यहाँ पर बिल्कुल मैचिंग है, आयोडीन के आउट ऑफ मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं सेवन, थ्री फ्लोरीन से टेन हो गए, जिनोन आउट ऑफ मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं एट, टू फ्लोरीन से टेन हो गए। अच्छा टेन इधर भी देखो ना, आयोडीन आउट ऑफ मोस्ट ऑर्बिट में सेवन, माइनस का मतलब अब एट हो गए, दो ब्रोमीन से हो गए टेन, इधर भी टेन, यानी अब हमें बी और सी में चेक करना है। तो सी तो वैसे भी कैंसल हो रहा था, एक मॉलिक्यूल अगर AX3 टाइप का है, एक मॉलिक्यूल AX2 टाइप का है, तो ये स्ट्रक्चर सेम कैसे शो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बी में होगा, अगर आप IBr2- माइनस में देखोगे तो लोन पेयर कितने आएंगे, तीन, सिग्मा बॉन्ड कितने आएंगे, दो, तो थ्री लोन पेयर टू सिग्मा बॉन्ड के साथ ये लीनियर मॉलिक्यूल बनेगा। और HCF2 की भी यही कहानी, लोन पेयर कितने हैं, थ्री, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, टू,
थ्री लॉन पे टू सिग्मा बॉन्ड के साथ ये भी क्या बनेगा लीनियर, आंसर आने वाला है बी। कंसेप्ट क्या याद रखना है भाई, पॉली एटॉमिक स्पीसीज में हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करने होते हैं, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन चेक करने की जरूरत नहीं है आइसो इलेक्ट्रॉनिक फाइंड करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है HCF4 की जियोमेट्री क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। सबसे पहले आप समझें, जब भी हमसे पूछा जाए जियोमेट्री तो हमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को देखना है, हमें देखना है लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को मिला के जो ओवरऑल शेप क्रिएट हो रहा है वो कैसा है। और जब हमसे पूछा जाए क्या शेप ऑफ मॉलिक्यूल, तो फिर हमें लोन पेयर को अवॉइड करना है, उसके बाद देखना है कि मॉलिक्यूल हमें कैसा दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर हमसे पूछा है जियोमेट्री, यानी हमें लोन पेयर भी देखना और बॉन्ड पेयर भी देखना। HEF4 में जिनके पास आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन थे, 4 फ्लोरीन के साथ निकल लिए, बचते हैं 4, यानी लोन पेयर कितने आएंगे, 2 आएंगे, और सिग्मा बॉन्ड कितने आएंगे, सराउंडिंग एटम 4 है तो 4 आएंगे। आपको पता है यहाँ से जो स्टेरिक नंबर क्रिएट होगा वो होगा 6। स्टेरिक नंबर 6 में ऑक्टाहीड्रल जियोमेट्री क्रिएट होती है। ऑक्टाहीड्रल जियोमेट्री की जो रिलेटिव पोजीशन है वो कुछ इस तरह की ये होती है ऑक्टाहीड्रल जियोमेट्री, है ना। तो ऑक्टाहीड्रल होगा sp3d2 हो जाएगा। लेकिन अगर हमसे पूछा जाता शेप ऑफ मॉलिक्यूल तो आंसर चेंज हो जाता, क्यों, क्योंकि लोन पेयर तो आता है आपको पता है एक्सियल पोजीशन पे, एक लोन पेयर इधर आ जाएगा और एक लोन पेयर इधर आ जाएगा, और जो आपके रिमेनिंग फ्लोरीन है वो इधर आ जाते, वो आ जाते इक्वेटोरियल पोजीशन। तो आपसे यहाँ पे पूछा केवल और केवल जियोमेट्री तो आंसर क्या है, ऑक्टाहीड्रल है। और अगर आपसे यहाँ पे पूछ लिया शेप ऑफ मॉलिक्यूल तो अब ये ऑक्टाहीड्रल नहीं है, क्योंकि लोन पेयर देखनी नहीं, मॉलिक्यूल तो कैसा दिखेगा, स्क्वायर प्लेनर दिखेगा। दो डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, क्लियर। आंसर ए आएगा 21। नेक्स्ट रॉन्ग स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। PH5 एक्सिस्ट नहीं करता बेटा, एक ड्रैगो रूल है। ड्रैगो रूल ये कहता है कि थर्ड पीरियड उससे आगे के एलिमेंट के साथ आप हाइड्रोजन अगर कंबाइन करते हैं, हाइड्रोजन में कभी भी इतनी पावर नहीं होती कि वो एक्साइटेड स्टेट बना पाए। इन शॉर्ट एलिमेंट कभी भी अपने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज नहीं कर सकता एक्साइटेड स्टेट फॉर्मेशन के थ्रू, तो नहीं बनते उस वजह से। PH5 इसीलिए नहीं भाई, फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, लास्ट में 3s2 3p3 है ना, तो ग्राउंड स्टेट में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसको 3 ही मिलेंगे ना, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बनाएगा। लेकिन अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती ना, जैसे क्लोरीन होता, तो फिर ये 3s का इलेक्ट्रॉन 3p में जंप कर जाता उस केस में, उस केस में एक्साइटेड स्टेट बनती 3s1 3p3 और 3d सॉरी और 3d1 के साथ, फिर आपके पास टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो जाते, आप 5 बॉन्ड बना सकते थे। इसीलिए तो फॉस्फोरस आपने ध्यान दिया होगा PCl3 बनाता है ग्राउंड स्टेट में, इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी वो ग्राउंड स्टेट में ही है तो PCl3 बनता है। फास्फोरस PCl5 भी बनाता है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट जैसे ही बनाओगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 से इंक्रीज होकर 5 हो जाएंगे, बट PH5 बनाने में दिक्कत है क्योंकि हाइड्रोजन की प्रेजेंस में एक्साइटेड स्टेट नहीं बन पाएगी, तो ये नहीं बनेगा। PiCl5 नहीं बनता, इसका रीजन ये है कि क्लोरीन एटम का साइज काफी लार्ज है और उसकी वजह से स्टेरिक इफेक्ट लगता है, 5 लास्ट साइज के एटम आसपास नहीं दिख पाते। PiDiPi बॉन्ड अवेलेबल है SO2 में, बिल्कुल है, आपको PiDiPi बॉन्ड निकालने होना, एक सिंपल सा शॉर्टकट यूज किया करो। हाइब्रिडाइजेशन अगर SP है तो जितने भी पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं वो तो सारे के सारे पाई बॉन्ड क्या है, ऑल पाई बॉन्ड्स आर PiPi। अगर हाइब्रिडाइजेशन आपको sp2 दिखाई देता है तो उसमें जो पहला पाई बॉन्ड आएगा वो तो कौन सा होगा, PiPi होगा, उसके बाद जितने भी पाई बॉन्ड बचते हैं रेस्ट ऑल सारे के सारे होंगे PiDiPi। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 उससे आगे निकाल दिया तो जितने भी पाई बॉन्ड मिलेंगे सारे के सारे PiDiPi मिलेंगे, ऑल द पाई बॉन्ड्स आर PiDiPi इन सच केस।
ये शॉर्टकट याद रखना बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे, डायरेक्ट यूज करेंगे हम आगे के क्वेश्चंस में। अगर अभी नहीं भी आया है तो टेंशन ना लें, ओके तो एक क्वेश्चन के लिए। फिलहाल SO2 का हाइब्रिडाइजेशन निकाला जा सकता था। SO2 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आता है? sp2 वन लोन पेयर टू सिग्मा बॉन्ड के साथ। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो पाई बॉन्ड होते हैं, पहला पाई बॉन्ड तो कौन सा होता है? पी पाई, पी पाई। और दूसरा कौन सा होता है? पी पाई, जितने भी बच जाते हो पी पाई डी पाई। इसमें पी पाई डी पाई लिंकेज है, बिल्कुल है। अच्छा, सेप तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, सी एच फोर टेट्राहेड्रल आता है। और एस ई एफ फोर, ये सीसो जियोमेट्री शो करता है, तो इनके सेप तो सेम ही नहीं, यही गलत जा रहा है। पेंट जियोमेट्री होती है क्या आई थ्री प्लस की? बिल्कुल होती है। ये कुछ इस तरह से बनेगा ना, आयोडीन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा आई प्लस को, और अब इस सेंट्रल आयोडीन पे देखोगे तो टू लोन पेयर टू सिग्मा बॉन्ड रहेंगे, और ये क्या दिखाई देगा? मुड़ा हुआ दिखाई देगा बेंट। तो बेंट जियोमेट्री है इसके पास। आंसर क्या आएगा 22 का रॉन्ग स्टेटमेंट का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द स्पीशीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चर्ड। डायमंड आपको पता है, हर एक कार्बन के आसपास आपको फोर कार्बन दिखाई देंगे, और इस तरह से एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। अब फोर सिग्मा बॉन्ड के साथ जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो आता है sp3, और sp3 के साथ जो शेप क्रिएट होता है वो टेट्राहेड्रल सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है बेटा, यहाँ पर हर एक सिलिकॉन आपको चार कार्बन से अटैच दिखाई देगा, हर एक कार्बन फोर सिलिकॉन से अटैच दिखाई देगा, इस तरह से कहानी आगे बढ़ती जाएगी। तो ये भी क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है। NH3 और PH3 वन लोन पेयर थ्री सिग्मा बॉन्ड के साथ NH3 भी पिरामिडल आएगा, PH3 भी पिरामिडल आएगा। HCF4 हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, ये मॉलिक्यूल बनाया है टू लोन पेयर फोर सिग्मा बॉन्ड के साथ, ये स्क्वायर प्लेनर दिखाई देगा। इन जो XeO4 है वो आपको टेट्राहेड्रल दिखेगा, जीरो लोन पेयर और फोर सिग्मा बॉन्ड के साथ। तो ये तो स्ट्रक्चर सेम नहीं हुए, आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है। आंसर क्या आएगा? सी, ये दोनों टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ। नेक्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज द सेंट्रल एटम हैज टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन व्हिच इज नॉट सेम एज प्रेजेंट इन अदर। हाइब्रिडाइजेशन फाउंड करना था। sf4 सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर, आउट ऑफ मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 फ्लोरीन के साथ निकल लिए, बचते हैं 2, यानी सल्फर के पास 1 लोन पेयर। सराउंडिंग एटम 4 हैं तो सिग्मा बॉन्ड 4 आएंगे, स्टेरिक नंबर आ गया 5, स्टेरिक नंबर 5 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? sp3d आता है। i3 माइनस, ये i3 माइनस आप कैसे क्रिएट करते हो? ये i2 था और i माइनस ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है। तो क्या होगा? अब इस आयोडीन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 थे, एक इलेक्ट्रॉन आपने सेरिंग में ले लिया, 6 बच गए ना, तो यहाँ पर लोन पेयर होंगे इसके पास 3, सराउंडिंग एटम 2 है तो सिग्मा बॉन्ड 2, 3 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड के साथ, स्टेरिक नंबर 5 आता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आता है। यहाँ भी sp3d, इधर भी sp3d। अब देखते हैं sbcl5 डाई नेगेटिव एंटीमनी, नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 ये ले लो, 7 हो गए, 7 में से कितने निकल लिए? 5 निकल लिए, बचते हैं कितने? 2, यानी यहाँ पर 1 लोन पेयर होगा। सराउंडिंग एटम अगर 5 हैं तो सिग्मा बॉन्ड 5 आएंगे, 1 लोन पेयर 5 सिग्मा बॉन्ड के साथ, स्टेरिक नंबर 6 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2। और pcl5 तो मुझे लगता है हमने से हर किसी को याद है, लोन पेयर कितना होता है? 0 होता है, सिग्मा बॉन्ड कितने आते हैं? 5 आते हैं, स्टेरिक नंबर कितना आया? 5, और स्टेरिक नंबर 5 के साथ हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3d। आंसर क्या आने वाला है? सॉरी, सी आएगा आंसर, बाकी सब में sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sbcl5 डायनेगेटिव में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जाए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है परसेंटेज s कैरेक्टर के हाइब्रिडाइजेशन में। अब sp, sp2 और sp3, यहाँ पर टोटल 2 ऑर्बिटल थे जिसमें से एक s, तो परसेंटेज s कितना हुआ? 1s है आउट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 50%। यहाँ पर 1s है, टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 2p हैं, 1s है,
तो थ्री ऑर्बिटल में से एक आपके पास ऐसे 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज एस कैरेक्टर 33.33%, sp3 1s out of 4 परसेंटेज एस कैरेक्टर 25%, मैक्सिमम परसेंटेज एस कैरेक्टर एसपी के पास है मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और मिनिमम एस कैरेक्टर sp3 के पास है मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी आंसर क्या आने वाला है पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव किया जाए। पी पाई डी पाई बॉन्डिंग कहाँ आएगी? ये तो तुक्का भी लगाओगे तो सही बैठेगा बेटा, पी ऑर्बिटल ना तो सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास होते ही नहीं, तो ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, सारे सेकंड पीरियड एलिमेंट ले रखे हैं। पी कौन से ऑर्बिटल एलिमेंट के पास होगा जो थर्ड पीरियड को बिलोंग करेगा? वो सल्फर है। अब लॉजिकली भी देख लेते हैं, सल्फाइड जो होता है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, ये सल्फाइड है ना, हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के जितने भी पाई बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं? डीपाई डीपाई होते हैं। नेक्स्ट तरफ मूव किया जाए। sp3 में s कैरेक्टर कितना है? अभी अभी हमने काउंट किया है, टोटल 4 है, 1s है, यानी 1/4 आंसर आएगा ए। cn प्लस cn माइनस no और cn, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर कहाँ आएगा? बेटा हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो। आपको दो शॉर्टकट याद करो। केस फर्स्ट, जब आपको लगता है ना कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 8 से 14 की रेंज में है, तो आप बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या करना, ABMO के इलेक्ट्रॉन फिक्स कर लेना और बाकी के BMO में रख देना। तो 4 तो आपके ABMO में है, 4 को छोड़ के जितने बच जाएं वो सारे इधर रखना, उसको डिवाइड करना 2 से, क्या आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर था NO, NO तो नहीं आएगा, CN प्लस ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे था CN प्लस, CN प्लस के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं काउंट करो, 12 आएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन 12 में लगाओ इस कंसेप्ट को, बॉन्ड ऑर्डर कैसे आएगा? 4 ABMO में कितने रह जाते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2 आएगा। एक केस तो ये लेना, जब आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो, 8 से 14 की रेंज में हो, तो बॉन्ड ऑर्डर आपको इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से कैलकुलेट करना है। दूसरा केस, केस सेकंड, जब आपको लग रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 14 से के इक्वल हैं या 14 से आगे हैं, इवन तो 20 था, आपकी यही दो केस पूछते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इस केस में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? 10 तो करना आप यहाँ पे फिक्स BMO के, 10 के अलावा जितने भी आ जाएं वो इधर रख देना ABMO में, डिवाइड कर देना 2 से। दोनों के एक एक एग्जांपल उठा लेते हैं, जैसे PN प्लस, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालना था, टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ रहे थे, 12, बॉन्ड ऑर्डर कैसे आएगा? केस फर्स्ट, केस फर्स्ट है तो 4 ABMO में, रिमेनिंग 8 BMO में, डिवाइडेड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया है CN, CN के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन 13 है, 4 इधर आएंगे, रिमेनिंग 9 इधर आएंगे, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। नेक्स्ट CN माइनस, CN माइनस के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14 है, 4 किसमें है ABMO में, 10 किसमें है BMO में, डिवाइडेड बाय 2, 3। और कौन सा है आपके पास, NO, NO के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 15 है, टोटल इलेक्ट्रॉन 15 है तो 10 माइनस 4 5, याद है ना ये वाला कंसेप्ट, 10 बचते कितने हैं, 5 बचते हैं, वो इधर ले लो, 10 माइनस 5 बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना, 2.5। तो मैक्सिमम किसके पास आ रहा है, CN माइनस के पास आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम कितना आ रहा है, 3। तो एक चीज और याद रखना बेटा इसमें, क्या याद रखना है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक आपसे पूछते हैं, तो जब भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड में आ जाए तो जो जो स्पीसीज होगी वो क्या होने वाली है, पैरामैग्नेटिक होने वाली है। और जब आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें हो, इवन में हो, तो स्पीसीज क्या होने वाली है, डायमैग्नेटिक। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इस कंसेप्ट का एक आपको एक्सेप्शन है, एक क्या है, एक से ज्यादा,
टोटल इलेक्ट्रॉन जब 10 होते हैं या फिर 16 होते हैं या फिर 32 होते हैं, तो यहां पर इवन नंबर आने के बाद भी ये सारी स्पीसीज आपको पैरामैग्नेटिक मिलती हैं, तो यहां टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आके, तो ये एक एडिशनल फैक्ट है जो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, सेम बॉन्ड ऑर्डर कहां आएगा, अभी अभी हमने कंसेप्ट डायरेक्ट कैलकुलेट करें, O2 वैसे भी आपको पता है कि डबल बॉन्ड होता है, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2, NO प्लस आपको पता है 14 इलेक्ट्रॉन N2 में होते हैं, और N2 में दो नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यहां बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, Ca माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है, N2 के जैसा केस हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, O हमने यहां पर भी टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, N2 टोटल इलेक्ट्रॉन 14 के साथ दो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता ही है, बॉन्ड ऑर्डर 3 रहेगा, O2 माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं यहाँ पर 17 है, तो कंसेप्ट याद करो 10 माइनस 7 बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1.5, कार्बन मोनोऑक्साइड और NO, तो NO में टोटल इलेक्ट्रॉन 15 है, 10 माइनस 5 बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2.5, क्या सेम बॉन्ड ऑर्डर कहाँ आ रहा है सी एन माइनस सी ओ के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामैग्नेटिक कौन होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं 14, यहाँ पर कितने हैं 14, यहाँ कितने हैं 14, इवन नंबर में टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्या है डायमैग्नेटिक, O2 माइनस के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 ऑड नंबर में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ऑड आ जाते हैं तो स्पीसी पैरामैग्नेटिक हो जाएगी, सीधा सीधा कंसेप्ट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 फिनिश होता है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस एंड मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज, बेटा यहां पर आपको कंप्लीट डिटेल आना जरूरी है, ठीक है ना, आपको क्या बताना है बॉन्ड एनर्जी और मैग्नेटिक बिहेवियर, वैसे शॉर्टकट से भी काम चल जाएगा, O2 से O2 प्लस, O2 तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं 16, यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 15, याद करो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ऑड है तो पैरामैग्नेटिक हो गई सही, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन है तो 10, 16, 32 यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इधर भी क्या है पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हुआ ही नहीं तो ए नहीं हो सकता, पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक ये तो बना नहीं, सी टू से सी टू प्लस बना नहीं, E2 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 12, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 11, टोटल इलेक्ट्रॉन 12 के साथ जो स्पीसीज हो जाएगी वो क्या होगी डायमैग्नेटिक नंबर में, और ये ऑड नंबर में तो स्पीसीज क्या हो जाएगी पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक हो रहा है, पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक नहीं हो रहा, तो बी इसलिए नहीं हो सकता। अब NO से NO प्लस बनाए, NO के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 15, तो NO प्लस के पास कितने हैं 14, ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या है पैरामैग्नेटिक, इवन इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या है डायमैग्नेटिक, तो पैरा से डाया कहां बन रहा है, सी ऑप्शन में बन रहा है। अब देखते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड ऑर्डर काउंट करते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन 15 हो तो 10 माइनस 5 बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर 2.5, और ये 10 माइनस 4 बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर 3, तो बिल्कुल बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ है, यानी बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज हुई है और मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज हो गया, आंसर क्या आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए, O2 डाय नेगेटिव में ABMO के पेयर कितने हैं, तो जो O2 डाय नेगेटिव है इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 18 आएंगे ना, 16 तो यही है दो इधर से, और आपको शॉर्टकट याद है अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो BMO के होते हैं, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं ABMO में होते हैं डिवाइडेड बाय 2, ABMO में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन 8 हैं तो पेयर कितने बनेंगे 4 बनेंगे ना, दो इलेक्ट्रॉन से एक पेयर बनता है, तो ABMO के पेयर कितने क्रिएट होने वाले हैं 4, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या आएगा डी आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैज ओनली पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू MOT, अब ये पूरा लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा, ये हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, Pe2 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है,
सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, यहाँ पर इन दो इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाने की कोशिश की, यहाँ से बॉन्ड कैंसिल हो गया, इसका तो बॉन्ड ऑर्डर ही जीरो आएगा। ये देखो ना, 2 - 2y कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। ये तो स्पीसीज ही एक्सिस्ट नहीं करेगी। सॉरी, मैं फिलहाल गलत बोल गया, मैं आपको वापस से समझा देता हूँ इसको, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन 4 है ही नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन तो 8 है। P2, एक बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में कॉन्फिगुरेशन क्या आता है, सिग्मा 1s2, एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। इन दो इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाने की कोशिश की, यहां से बॉन्ड कैंसिल हो गया। इन दो ने बॉन्ड बनाने की कोशिश की, यहां से बॉन्ड कैंसिल हो गया, यानी ये तो स्पीसीज ही एक्सिस्ट नहीं करेगी। और सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, सिग्मा 2pz, उसके बाद क्या है, पाई 2px, उसके बाद क्या है, पाई 2py, उसके बाद क्या है, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, उसके बाद क्या है, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। ये कहानी अब समझ, ये दो सिग्मा 1s2 ने बॉन्ड बनाने की कोशिश की, बॉन्ड कैंसिल, ये बॉन्ड बनाने की कोशिश है, ये बॉन्ड कैंसिल, ये 6 इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बॉन्ड बनाने की कोशिश की, इन दो ने कैंसिल किए, तो पाई के दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर O2 का कितना है, 2 है, यानी आपको दो बॉन्ड बनाने हैं, दो बॉन्ड बनाने के लिए कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन लगेंगे ना, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो भाई दो इलेक्ट्रॉन ने दो कैंसिल कर दिए, दो किसके मिलेंगे, पाई के मिलेंगे, दो किसके मिलेंगे, सिग्मा के मिलेंगे, दो पाई के हैं, दो सिग्मा के हैं, तो एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। यानी O2 में एक तो आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। N2 की कहानी भी आप इसी तरह से देख सकते हैं, हम C2 डिस्कस करें। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12 है, सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, एंटी बॉन्डिंग 1s, सॉरी सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, उसके बाद पाई 2px, पाई 2py, ये देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 12। बॉन्ड ऑर्डर शॉर्टकट भी लगा सकते थे, 14 से कम है तो 4 ABMU में, रिमेनिंग BMU में, डिवाइडेड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर 2 है। बॉन्ड ऑर्डर 2 बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहां से बॉन्ड बनाने की कोशिश, ये कैंसिल, बॉन्ड बनाने की कोशिश, ये कैंसिल, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए जो आपको 2 बॉन्ड बनाने के लिए जो 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, उससे फिर से पाई ऑर्बिटल में अवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि C2 के जो दोनों बॉन्ड हैं वो दोनों के दोनों क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। आंसर क्या आएगा, डी आएगा, 33 का आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो द प्रेजेंस ऑफ इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। भाई H2O2 का ऐसा एक स्ट्रक्चर है ही नहीं कि आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना जाए, कैसे बनाएगा। तो वैसे भी अगर आप जबरदस्ती यहां से एक बॉन्ड बना दोगे तो 3 मेंबर रिंग बनेगी, और 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल होती है, तो भूल जाओ। बाकी एसिटिक एसिड में भी यही दिक्कत है, अगर एसिटिक एसिड आप कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर लोगे, आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, इस हाइड्रोजन के इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बना दें, 4 मेंबर रिंग बनेगी, 4 मेंबर रिंग भी क्या होती है, अनस्टेबल होती है। ले देखिए, एक ही मॉलिक्यूल में जो पॉसिबिलिटी है पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड सेल्यूलोज में है ना, आपको उसका रिंग स्ट्रक्चर याद होगा, रिंग स्ट्रक्चर में बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है कि आप इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दें। आंसर क्या आएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डोमिनेंट इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स बॉन्ड दैट मस्ट बी ओवरकम इन कन्वर्टिंग लिक्विड मिथेनॉल टू अ गैस। मिथेनॉल लिक्विड क्यों है, क्योंकि दो मिथेनॉल के बीच में क्या लग रहा है, एच बॉन्डिंग लग रही है, इसकी वजह से मॉलिक्यूल पास पास हैं, ये लिक्विड है, तो इसको अगर आपको मिथेनॉल गैस में कन्वर्ट करना है तो मॉलिक्यूल को दूर दूर करना पड़ेगा। मॉलिक्यूल को दूर दूर करने के लिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे ना, तभी मॉलिक्यूल दूर भागेंगे, यानी आंसर क्या आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए,
यहाँ पर एक्स और वाई दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हाई रखा गया है और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखे हैं। एक्स के साथ तो बॉन्ड लेंथ देखो आप स्मॉल रखी गई है, वाई के साथ बॉन्ड लेंथ को लार्ज रखा गया। इन शॉर्ट ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। जब भी हाइड्रोजन के दोनों साइड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, हाइड्रोजन एक एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाए तो दूसरे के साथ क्या करता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्लियर? हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से आपको ज्यादा मिलती है मोस्ट ऑफ द केसेस। अभी समझना, जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो क्या होता है, ये जो एक्स है ना ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। एक्स पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होने वाली है, इंक्रीज। हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होने वाली है, डिक्रीज। आंसर ये है। मुझे लगता है ये ऑप्शन थोड़ा सा और अच्छा बनाया जा सकता था अगर हाइड्रोजन की जगह वाई लिख दिया जाता तो, क्योंकि वाई का जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो अट्रैक्ट करेगा ये पार्शियल पॉजिटिव के थ्रू हाइड्रोजन, और वाई का जो लोन पेयर है वो पार्शियली डोनेट होगा हाइड्रोजन को, ऑब्वियस सी बात है। एक्स पे तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, और वाई पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये इंक्रीज है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज है, इधर भी डिक्रीज ही है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा एक्स की तरफ। आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कब मिलता है, जब भी ये जो हाइड्रोजन एटम होता है ना इसके आजू बाजू के दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, ज्यादा हो, और दोनों एटम के साइज क्या हो, स्मॉल हो, तब आपको हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम मिलती है। हाँ, अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कभी कंपेयर करने में आ जाए तो हाइड्रोजन जिससे कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है ना उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। जो लोन पेयर डोनेट करता है पार्शियली उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। फिलहाल यहाँ देखें तो वाटर में हाइड्रोजन के दोनों तरफ क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। अमोनिया में हाइड्रोजन के दोनों तरफ क्या मिलेगा, नाइट्रोजन। एचएफ में हाइड्रोजन के दोनों तरफ क्या मिलेगा, क्लोरीन। सराउंडिंग दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग आएगा। नेक्स्ट, Ab4 टाइप का मॉलिक्यूल पोलर है, पॉसिबल जियोमेट्री क्या होगी। आपको पता है Ax4 टाइप का मॉलिक्यूल एक तो जब टेट्राहेड्रल होता है तब इसका म्यू जीरो आता है, और दूसरा जब स्क्वायर प्लेनर होता है तब इसका म्यू जीरो आता है। तो यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर है, म्यू जीरो आएगा, ये हमारा आंसर नहीं है। टेट्राहेड्रल है, म्यू जीरो आएगा, ये हमारा आंसर नहीं है। ये भी रेक्टेंगुलर प्लेनर, वही स्क्वायर प्लेनर है, जीरो आएगा। स्क्वायर पिरामिडल सेफ ही नहीं बन सकता, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हमसे पूछा है HCF- और HCO3F2 इनके शेप क्या होंगे। उम्मीद है अब तक आप आंसर निकालने लग गए होंगे। आउट ऑफ मोस्ट ऑर्बिट में 8 थे, ये 9 हो गए, 5 शेयरिंग में चले गए फ्लोरीन के साथ, बचते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 लोन पेयर हैं, 5 सिग्मा बॉन्ड है, टोटल काउंट 7 है। स्टेरिक नंबर 7 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है जिसमें पेंटागोनल प्लेनर जियोमेट्री बनती है जब लोन पेयर 2 हो, 5 सिग्मा बॉन्ड। एक और आपसे जो पूछा गया है XeO3F2, 8 थे, 6 ऑक्सीजन के साथ निकल लिए, 2 फ्लोरीन के साथ निकल लिए, यानी यहाँ पर लोन पेयर क्या है, 0 है। सराउंडिंग एटम 5 है तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 5 है। स्टेरिक नंबर 5 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d आएगा, और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इसका शेप में देगा। आंसर क्या आने वाला है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है तो उसको हम सही कर लेते हैं। आयन क्वेश्चन हमें कंसेप्ट ज्यादा जरूरी है वो हम देख लेते हैं। बेटा आयन आयन अट्रैक्शन से हमारा जो मतलब है वो आयनिक बॉन्ड से है, और आयनिक बॉन्ड में एनर्जी की जो डिपेंडेंसी है दो आयन के बीच की डिस्टेंस से वो आर है। ये कैटायन, ये एनायन है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस दरअसल क्या है, आर है। उससे थोड़ा सा वीक जो फोर्स आता है वो कौन सा होता है, आयन डायपोल। और आयन डायपोल में एनर्जी की जो डिपेंडेंसी है वो आर स्क्वायर से आती है। उससे थोड़ा सा वीक एक और फोर्स है वो कौन सा है, डायपोल डायपोल। डायपोल डायपोल में ये जो एनर्जी की डिपेंडेंसी है वो आर की पावर क्या आती है, 3 पे चलती है। और इससे वीक जो आपको मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, लंदन लंदन टाइप ऑफ फोर्स, जो डिपेंडेंसी आर की पावर 6 पे चलती है। ये आपको याद रखने हैं, मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग है यहां तक वीक होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
H2O आपको पता है लिक्विड होता है, H2S आपको पता है गैस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड होता है, इसमें कोई एच बॉन्ड नहीं होता है। इसी वजह से जब आप बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट ना सिर्फ ज्यादा बल्कि तो काफी ज्यादा होता है H2O से। तो H2O का अगर बॉइलिंग पॉइंट 373 है तो H2S का 373 से ना सिर्फ कम आएगा जबकि बहुत कम आएगा, यानी 300 केल्विन से भी नीचे चला जाएगा। आंसर आएगा 41 का क्या? वैसे भी आप सोचो ना, रूम टेम्परेचर पे H2S गैस होती है, 300 केल्विन से नीचे ही होना चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछा है मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो भाई बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ को मिनिमम अगर चाहिए तो बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम रखें। देखें इन चारों स्पीशीज में मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर कहाँ है। NO माइनस ये कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 16, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। NO प्लस टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 14, बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। NO प्लस 2 टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 13, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा। और NO टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 15, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, इधर भी 2.5 आएगा। मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर कहाँ है, NO माइनस के पास है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी इन H2O क्रिस्टलाइन बिहेवियर, ये सारी चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं इसके इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। ये दरअसल जेईई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है जो कि बोनस हो गया था बेटा, तो यहां पर देखना बी इसके अंदर क्या हुआ। किसी भी अगर आप एरोमेटिक सब्सटेंस में देखोगे ना, बेंजीन डेरिवेटिव में, तो जो ऑर्थो होता है उसमें तो इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग हो सकती है, लेकिन जो मेटा और पैरा आइसोमर होते हैं ना, इनमें एच बॉन्डिंग इंटर ही हो पाती है, इंट्रा नहीं हो पाती। आपको पता है ये सारे फैक्टर हमने इंटर के लिखे हैं, इंट्रा जस्ट अपोजिट चलेगा। यहाँ देखो ये ऑर्थो आइसोमर है, ऑर्थो आइसोमर में इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग आएगी, ये पैरा आइसोमर है यहाँ पे इंटर मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग आएगी। इंटर मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग यहाँ पे है, वहां पर क्या होने वाला है, क्रिस्टलाइन बिहेवियर ज्यादा आएगा, बिल्कुल सही है। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, बिल्कुल सही है। वाटर में डिजॉल्व होगा आसानी से, ये भी सही। आंसर है ऑल ऑफ थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। बेसिकली जेईई मेंस का ये क्वेश्चन बोनस दिया गया था, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, PCl5 सॉलिड स्टेट में किस फॉर्म में होता है। हम सबने कहीं ना कहीं 12th क्लास में पढ़ रखा है, ये PCl4 प्लस और PCl6 माइनस के फॉर्म में होता है, जहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ ये टेट्राहीड्रल होता है और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ ये हिस्सा ऑक्टाहीड्रल होता है। आंसर क्या आएगा, डी। नेक्स्ट, कंपाउंड बॉन्ड एंगल हमने पहले ही बात की है, CH4 NH3 H2O H2S, जितना नंबर ऑफ लोन पेयर, स्टेरिक नंबर सभी के पास 4 है। लोन पेयर यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, याद है ना, जितना आप लोन पेयर बढ़ाते जाते हैं एंगल उतना रिड्यूस होता जाता है। तो ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर हाइड्राइड में तो एंगल वैसे भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में रिड्यूस होता है, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल जो आएगा वो किसके पास आएगा, CH4 के पास। नेक्स्ट, अमंग द सल्फेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल द सॉलिबिलिटी ऑफ, याद रखिएगा बेटा, सेकेंड ए में सल्फेट हुए, सेकेंड ए के कार्बोनेट हुए, सेकेंड ए के बाई कार्बोनेट तो नहीं ले सकते क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में एक्सेस्ट नहीं करते, सबको सॉल्यूशन में ही होते हैं। सेकेंड ए के आप सल्फाइड ले लो, सेकेंड ए के आप क्रोमेट ले लो, इन सब में बेरिलियम से लेके बेरियम तक सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। और सॉल्युबिलिटी डिस्कस करने का बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो फैक्ट तो याद रखें। इसमें से भी एक और फैक्ट याद रखना, बेरिलियम सल्फेट तो आपको क्या मिलता है, लेकिन बेरियम सल्फेट क्या होता है, 5 PPT होता है, ये इनसॉल्युबल मिलता है, याद रखिएगा।
अल्कली मेटल में भी मुझे लगता है कि दो तीन ट्रेंड तो आपको याद होने चाहिए, वो भी लिख लेते हैं। फर्स्ट में अल्कली मेटल में एक तो कार्बोनेट और दूसरे बाइकार्बोनेट, इन दोनों की सॉल्युबिलिटी लिथियम से सीजियम तक कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो, मुझे लगता है इतने मोर देन सफिशियंट रहेंगे। बाकी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड याद रखना, फर्स्ट ए और सेकेंड ए, इनके क्या ले लो, ऑक्साइड ले लो, इनके हाइड्रोक्साइड ले लो। मैं बात कर रहा हूँ बेरेलियम से, अगर फर्स्ट ए की बात करें तो लिथियम से सीजियम हाइड्रोक्साइड तक, लिथियम से सीजियम ऑक्साइड तक, ठीक इसी तरह से बेरेलियम से बेरियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड तक। जो सॉल्युबिलिटी है ना, ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी बेरेलियम का ऑक्साइड मिनिमम सॉल्युबिलिटी शो करेगा, बेरियम का ऑक्साइड मैक्सिमम। ये कुछ ट्रेंड है जो आप याद रखें। वापस से आ जाते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो सल्फेट है इनकी सॉल्युबिलिटी अभी अभी हमने बात की है, बेरिलियम और मैग्नीशियम की सॉल्युबिलिटी तो फिर भी ठीक आएगी, बाकी बेरियम सल्फेट तक आते आते सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी अभी हमने बात की थी, आयन डायपोल के लिए जो हमने डिपेंडेंसी आर पे देखी थी वो क्या था, आर स्क्वायर। आपको इतना एक फैक्ट याद होगा, क्या फैक्ट याद होगा, कि आर की ये पावर जितनी ज्यादा होगी ना, फोर्स उतना वीक है, तो ये आर स्क्वायर है। डायपोल डायपोल में ये आर की पावर 3 है, और आयन आयन में ये आर है, तो आयन आयन फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ शो करेगा, फिर आयन डायपोल आएगा, फिर डायपोल डायपोल आएगा, आंसर सी आएगा। नेक्स्ट, डायपोल मोमेंट का ऑर्डर, ये हम में से हर कोई याद रखता है बेटा, CH4 और CCl4 दोनों के जीरो है, इक्वल आएंगे, ये दोनों क्या है, नॉन पोलर है, CHCl3 क्या है, पोलर है, आंसर क्या होगा, डी होगा। प्रीडोमिनेंट इंट्रामोलिकुलर फोर्स इथाइल एसीटेट में, बेटा इथाइल एसीटेट है ना, अब इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये कुछ इस तरह का होगा ना, आप समझ में आ रहा होगा कि ये मॉलिक्यूल क्या है, पोलर है। पोलर मॉलिक्यूल में क्या होगा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन आएगा, एक तो इसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की तो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है, कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन से तो हम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से, तो डायपोल डायपोल तो आएगा, पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल डायपोल आती है। और जो लंदन डिस्पर्शन है वो पोलर मॉलिक्यूल में भी होता है, नॉन पोलर में भी होता है, हर जगह होता है ये, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो लंदन लंदन डिस्पर्शन फोर्स है वो भी आपको मिलने वाला है, डायपोल डायपोल एंड लंदन डिस्पर्शन, ये दोनों आएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आएगी। एंड लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बॉन्ड एनर्जी, तो भाई कार्बन के साथ फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन, ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर क्या होता है, बॉन्ड एटम का साइज इंक्रीज होता है, एटम का साइज लार्ज होता है तो ओवरलैपिंग आपकी वीक हो जाती है, ओवरलैपिंग वीक होती है बॉन्ड आसानी से ब्रेक होता है, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती है, इनके बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर क्या आते हैं, यही आते हैं, यह बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम आएगी, उससे कम सीएल की, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, आंसर आएगा बी। और इसी के साथ हमारा केमिकल बॉन्डिंग का डिस्कशन फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।